मिसाल तौर पर जो बच्चा की शादी करनी है तो ताई पैसे चाहिए, गड्डी लवनी है ताई पैसे चाहिए, घर बनाना है ताई पैसे चाहिए, कोई जो भी जिंदगी के मामला अगर चलाने जमीन का किसी रोला है, कोई खरीदता भी है कोई बेचता भी है, मतलब जाहिरी तौर पर दुनिया के जेड़े आप इतने फिरने हैं इतने अपने ज्यादातर मसाइल पैसे नाल लेते हैं। इस मेरी गल तो बाद पार्टी तुसी इस गल नाल एग्री करते ने भी इवें बिल्कुल है हाँ जी दीनी दुनियावी भाई साहब साहब भैन भी दीनी दुनियावी दोवें ही पैसे नाल चलते हैं। हुण सवाल यह है कि पैसे किवें आवण अपने कोल गए कितने बंदे ये जानना चाहते हैं कि पैसे उन्होंने एक साल जड़े नाथ खड़ा किया बस दो त्रै बाकी नहीं चाहिए पैसे बाकी आग देंगे भी उन्हें तुम नहीं लौड़ा हम जड़े जो सारे चावल लग गए अगे कोई अल्लाह नहीं किया हमने एक सारे आ रहे जरूर सारा भाई भाई ये सोच लो इस बारे पहले पास हो जाओ भाई जिन्हों जिन्हों चाहिए आखो जी नहीं चाहिए वह मेरे दसो हाथ बंद लेंगे हम पहला दोबारा दसो सभी पैसे किन कि चाहिए सारा नहीं चाहिए हमने तो कही आते पे भी ये तो मसला ही कोई नहीं ये तो गल ही कोई नहीं हमने सारा नहीं चाहिए इसका मतलब यह है भी इंसान समझते भी आधे आप में नहीं समझता ना या उन मामला का पता नहीं चलता चीजा का अगर कि वो क्लीयर नहीं होता उनका फोकस सही थे सो सारे मामला पैसे नाल चल जाते इस वास्ते आप सारे ये जानना चाहते हैं कि पैसे किवें उस मैं जो जिंदगी दे विच जो छोटे मोटे मेरे को आए कोई 10-100-50 रुपया मैं इनका एक कोड दरियाफ्त किया है या मैं लोग ऐसा के बारे जेड़े जिन्होंने अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दिता हो उन्होंने बारे थोड़ी रिसर्च की थी तो जेड़ा मैनू कोड दरियाफ्त होया भी आए नंबर मिलाओ तो पैसे आ जा सके ए वो मैं तुहाडे नाल तुहाडी खिदमत चार्ज करना चाहना भी जेड़ा तुसी जिंदते पढ़ाइया भी कर सो किसी पीर साहब को जासो किसी आलम साहब को जासो यार बड़ा मसला है तो रोजी नहीं पी खुलती बची खड़ी इतू फलाने च बननी इतू फलाने च बननी कोई बन बुन नहीं सकता जितनी ये फजूल बकवास है ये जी ये बकवास है औदले च बनना है औदले मैंने तबीयत के गत्ते मेरी रोजी बंद हो गई है इतने मैंने बन दिता है और तू काम बनेगी है अल्लाह ताला रिज्क देता है अल्लाह ही खोलता है अल्लाह ही देता है और अल्लाह की तरफों ही बनते चलते ये कोई किसी का माल शाल के कोई शही नहीं बन सकता होता ये जेड़े लोग इस तरह के फजूल लोग होंगे जेड़े इन कमें तुरे रहते हैं पर आप बारे हो जाते उन्होंने आधे बनी जाते इनकी बेबरकती ना उन्होंने आधे बनी जो बंदे ये सोचते हैं भी साडा काम किसी है बन छड़ा है क्या बनी की है हट्टी बननी पई है जबोए बननी पई है घर बनना भी है ये जो बनींदा बनाऊंदा है कोई दुनिया की माई का लाल किसी का रिज अल्लाह उन्होंने देना चाहे तो किसी के मजाल ही नहीं है कि कोई बन सके इस बारे ये बड़ा क्लीयर हो जाओ इस बारे जान लो ये अक्सर लोग मैनू भी आते ये बड़ा सवाल करते हैं तो मैं तो अगू मुड़ छेक थ्रू करना तो गाबर से निकल जाते पर इो जी गल जो छेक थ्रू नहीं करते होने वो जे पीर सवाल दसन भी हाँ हाँ तेरे रोजी बच्ची खड़ोती है मैं खोल तो वो हूं छेक थ्रू कर लेंगे वो खोलते खोलते छेक थ्रू कर लेंगे इस वास्ते रोजी अल्लाह ताला की तरफों है रिज़्क़ जिंदगी इज्जत जिल्लत ये सारा मिल जाने वाला है अल्लाह ही खोलता है अल्लाह ही इसका देता है
अल्लाह ही जिंदगी देता है, अल्लाह ही मौत देता है। हुण अगले दिन मैनू एक साल कोई मिले, बल्कि अक्सर ही मिल जाते नहीं जो कोई है, पिछले दो चार महीने च दो तीन मैनू इस तरह के लोग मिले। उन्होंने आखा जी साडे खानदान दे विच बड़िया मौत हो गई, उत्ते कोई बंदा है तो सानू तवीद गती जाता तो मारी जाता। मैं आखा जान छुट्टी, मतलब जिन्हू मरावना हो बंदा उनके को जाता रहता वो मर जा। कितनी फजूल गल है, ये कितनी जाहिलाना और पागलों वाली गल है कि जाया हो सा अल्लाह दिता ना कुछ न दुनिया जिस किसी सामा डी दी है, अल्लाह तला की मेहरबानी ना डी दी है, अल्लाह के फजल नाल कोई दुनिया चमदा है। किसी मां की दुआ के नाल किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी बाप की दुआ नाल किसी वैसे बुजुर्ग नेक हस्ती की दुआ के नाल किसी को कोई बच्चा, लेकिन सामा जो मनजानक है जो असल सोर्स है वो तो रब का है, तो उनके फजल नाल जो है किसी को कोई औलाद दी या बच्चा दुनिया के आमदा है। इवें ही उन्हें ही एक वक्त मुकर्रर किया हो दुनिया को जावण का, चासी उदा बंदा दुनिया तो टुटद है। ये नहीं भी आगे कोई तवीर के गटे तेन मार लवे, ये बड़ी ही फजूल गल है। ये एक होर गल निकल गई है, तो मैं आख यह दस देव जे इस तरह के लोग इोजियां सोचा रखते हैं कि हूँ रोजी बनी गई, हूँ जिंदगी बनी गई, हूँ मरते जाने हैं सारे, ये कोई मारी जाता है बन इस बात। अच्छा मैं अर्ज करता भी हाँ सोच कि आप जानना चाहते हैं कि मेन अपना रिज कि खुल है। सो कोड जिहड़ा मैं दरियाफ्त किया, क्योंकि आप सारा नहीं पैसे की लोड़ है, और जिहड़ा तुहाडे इत्थों चाहता है कि उनके कोल ज्यादा पैसे आ, खाओ बीबी है, खाओ कोई बंदा है, खाओ कोई काम करता है, खाओ कोई काम नहीं करता, वो ये करते वेख लवे तुहानू अज मजा आ जाना है जे तुसीं ये काम कर लिया, क्योंकि सारे काम पैसा नाल है। तो हुण हाथ सारे जिहड़ा है खड़े, मैं तुहानू बड़ा वड्डा कोड दस रही हां, लेकिन इंदा ते गल है कि पहली गल तां उसे मजा उसी तुहानू ज्यादा जिसे सही समझ च आया, अवल ते समझ नहीं आ समझना नहीं, क्योंकि अपनी समझ अज छोटी है, ये बड़ी देर नाल समझ आया ना, मैं बड़ी कोशिश करके बाला है, जिवें कई बंदा शायद बालदा है तो थोड़ी जी लभ जाती है कि यह काम किवें होता है, यह किवें होता है। ओ, मैं थोड़ी जी बाल की है तो मैंने लगा है तुम जो समझने की कोशिश कर सो तो हम तुहाडे कोल होमना नहीं, इस वास्ते इनू करन दी कोशिश कर सो तो रिजल्ट जिस आवन लग जा सी उसे तुसी इस वो आपे तुसी तुहानू समझ आवन लग जा सी, ते जे अस वी पहले समझ लवीए तो मुड़ करिए तो मोड़े समझ नहीं आ। पैसे हासिल करन दा सादा तरीन तरीका ये है, तुहाडे किसी दे ज़हन च की आ रही है भी की हो सी है पैसे हासिल करन दा सब तो आसान ते सौखा तरीका यह है कि तुसी जो तुहाडे कोल है तुसी वंडने शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, यह कोई इंदा च मतलब पता की है, इंदे च कोई बंदा आंदा उसी भी है बंदा बड़ा जिहड़ा बड़ा नेक है ये वंडदा ये वो, पर मैं तुहानू दसा भी अगर मेरे कोल पैसे होवन ते अगर मैं वंड रही हां ते इंदा ये मतलब नहीं भी मैं बड़ा कोई नेक आदमी हां, मैं दा ते बैठा क्योंकि जिहड़ी गल ते बंदे नू यकीन हो जांदा है ना कि आ शय अगर नहीं करसा तां ही हो जासी, वो हुंदे आस्ते करनी कोई मुश्किल नहीं रहिंदा, ते मैनू ये 2000% यकीन है कि ये ऐसे काम ने कि ये वंडन नाल घट सकता ही नहीं, लेकिन बदकिस्मती अपने मुआशरे की अपने सिस्टम की है कि ये गल्लां लोगों को पता भी नहीं है और लोग समझाते भी नहीं है, और लोग करते तो मुड़ करना तो मुड़ बड़ी दूर की गल नहीं, उल्टा दुए का हक मारन ते रहिंदे ने, दुए की शह खोमण ते रहिंदे ने, वो मुड़ आदा नहीं बच सकता। इनकी मतलब इनकी मजीद इसके सबूत के तौर पर वैसे तो ऐसा बहुत सारिया गल्ला, मतलब मेरी जिंदगी ऐसी कोई लख गल मौजूद है,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਫਿੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਉਸ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਘੱਟ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਡਬਲ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।